गुड इवनिंग एवरीवन, ऑडियो को बता दीजिएगा ऑडियो क्लियर है। ओके ली जी, ऑडियो का बता दीजिए, ऑडियो क्लियर है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एबी जी। ओके थैंक यू नाग जी। गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमारी PYQ की सीरीज है, इसी को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और ये हमारा 18th लेक्चर है जिसमें PYQ को समझते हैं, डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नवम जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। गुड इवनिंग अमीना जी। देखिए आप लोग को बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, आप लोगों ने लाइक करना है सेशन को, अपने डाउट्स पूछने, बाकी सारी चीजें हम पे छोड़ देंगे। ठीक है, आप लाइक करेंगे, डाउट पूछेंगे और कमेंट में रेगुलरली पार्टिसिपेट करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे बारे में आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है पवन कंबोज, मैं हिस्ट्री करंट अफेयर एनवायरमेंट की क्लासेस लेता हूँ। मैंने UGC नेट किया हिस्ट्री में एंड 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। बाकी और बहुत सारे एग्जाम्स है जिनसे रिगार्डिंग आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं और अगर कोई भी क्वेरी हो तो ये मेरा नंबर है जिस पे आप पूछ के डाउट पूछ सकते हैं अपने। तो क्वेश्चन नंबर 274 से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये एक सवाल है रिवर्स के ऊपर। अब ये रिवर के ऊपर सवाल है और इसमें ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछा हुआ है। ट्रिब्यूटरी कौन सी नदी के पूछी है? ब्रह्मपुत्रा नदी की पूछी है। So, कई बार ऐसा होता है कि सवाल में आपके कई ऐसे ऑप्शन होते हैं जो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने होते हैं और आपका काम काफी ज्यादा आसान हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा, हर बार आपका पढ़ा हुआ MCQ नहीं आएगा पर ऑप्शन कई बार ऐसे होते हैं जो आपकी मदद कर देते हैं। जैसे कि ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी पूछिए तो यमुना आंसर तो नहीं होगा, यमुना डेफिनेटली आंसर नहीं होगा और गंधक भी आंसर नहीं होगा, ये आपको पता है। अब आप लोगों के लिए काम कितना आसान हो गया, अब आपके लिए 50-50 हो गया ये KBC वाला, या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन डी होगा, बताइए क्या होगा। तो यहां मैंने ऑप्शन एलिमिनेट करना आपको बताया कि यमुना नहीं हो सकता ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी, यमुना एक अपने आप में बड़ी नदी है, गंधक नहीं हो सकता, बताइए बाकी सब। आप लोग अपना तुक्का भी मार सकते हैं जिनको आइडिया ना हो। तो गंधक आपको पता है गंगा की ट्रिब्यूटरी है और आंसर इसका डी है, पुथीमारी इज द करेक्ट आंसर। अब पॉइंट बीइंग आप समझिए, जब मैंने दो ऑप्शन एलिमिनेट किए तो दो ऑप्शन एलिमिनेट आप कर देते हो तो आपके सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आंसर इज 274 का डी। नहीं, क्वेश्चन नंबर 273 करा दिया था मैंने, 273 तक करा दिया था। आप प्रॉपर चेक करेंगे तो 274 से ही कराना था। मैंने वूलर लेक और बाकी सारे लेक्स के बारे में बताया भी था, मेरे को अच्छे से याद है, आप चेक कर लीजिएगा। तो देखिए इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करें तो सुबानश्री है, सियांग है, कामेंग है, मानस है, संकोस है, पुथीमारी है,
ये सब ट्रिब्यूटरीज है, दिबांग है, कपीली है, दिगारू है, ये ब्रह्मपुत्र की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। तो द आंसर इज डी। क्लियर है? जब ये नदी स्टार्ट होती है तो स्टार्ट यहां से नहीं होती, स्टार्ट कहां से होती है? इसका ओरिजिन होता है तिब्बत में, जिसमें जहां पे इसका नाम होता है सांगपो, फिर अरुणाचल में आती है, फिर ये असम के एरिया को पास करते हुए ये बांग्लादेश में मूव करती है, और ये दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी नदी है, 9वीं लार्जेस्ट रिवर है बाय दी वॉल्यूम ऑफ वाटर जो ये डिस्चार्ज करती है, और 15वीं लॉन्गेस्ट नदी है। तो आंसर डी मैंने आपको बता दिया। देखिए कोई नदी बड़ी है छोटी दो बातों पे डिपेंड करती है, कि वो कितना पानी लेके जाती है, वॉल्यूम डिस्चार्ज में ये 9th नंबर पे है, और लॉन्गेस्ट की अगर बात करें, लंबाई की बात करें, तो 15th इन वर्ल्ड है। ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तिब्बत, जहां पे इसका नाम सांगपो है, टी साइलेंट होता है। अब बाकी सब बात कर ली, तो गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है। यमुना अपने आप में एक नदी है। आप में से कौन बताएगा महानंदा किसकी ट्रिब्यूटरी है? बताइए महानंदा किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो महानंदा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, महानंदा ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की, तो ये गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है। गंधक भी गंगा में मिलती है, यमुना भी बाद में जाके इलाहाबाद में गंगा में ही मिल जाती है। ठीक है जी, तो आप लोगों को क्लियर है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये असम में है जी, बिल्कुल परफेक्ट, असम में है। तो ये असम में है, और ये अब काफी ज्यादा फ्लड वगैरह नुकसान भी पहुंचाती है असम के इलाके में, तो इसका नाम याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 275। मैं पुथीमारी के बारे में बता रहा हूँ, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है जो ब्रह्मपुत्रा में जाके मिलती है। आंसर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बाकी तीनों का तो मैं डिटेल दे रहा था। तो ये असम में मिलती है ब्रह्मपुत्रा से, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। आप लोग रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज को थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन नंबर 275 पे मूव करते हैं। अब 275 कह रहा है वर्ल्ड वाटर डे, May 22। बाकी सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, 22 अप्रैल, 22 मार्च, 22 मार्च। आप सब लोग अपने आंसर दीजिए। तो चलिए ये आप लोग इस मीम को रिलेट कर पाएंगे, इस मीम को एंजॉय करिए। आंसर बताता हूँ, एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखिए यूएन बहुत सारे इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करता है, तांगनो जी कोई फर्क नहीं पड़ता, गूगल कर ले, एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। यहाँ हम वैसे भी कॉन्सेप्ट की बात करने के लिए आए। तो यूएन ने 1993 में ये पहली बार सेलिब्रेट किया था, यूएन डे ऑफ वाटर। तो ये वाटर डे हर बार सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 22 मार्च। ठीक है जी, 22 मार्च तो हर बार सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप लोग भी जल पीते रहिएगा, गर्मी बहुत है। अब इसका हर साल कोई ना कोई थीम होती है, 2023 की जो थीम है उसका नाम है एक्सेलरेटिंग चेंज। इस गर्मी के मौसम में पानी पीते रहिएगा, जल पीते रहिएगा। तो इसकी थीम है एक्सेलरेटिंग चेंज, इस साल की थीम है वर्ल्ड वाटर डे की, 2023 की। क्लियर है?
पहली बार 1993 में मनाया गया था, नेक्स्ट टाइम 2024 में मनाया जाएगा, और हर साल कोई ना कोई थीम डिसाइड की जाती है। पानी बचाना बहुत ज़रूरी है, तो पानी बचाने के लिए बहुत सारे हमारे साथी डीओ का भी इस्तेमाल करते हैं और महीने भर नहाते नहीं है। सर्दियों में चल जाएगा, गर्मियों में ऐसा मत ट्राई करिएगा। पानी बचाना कितना भी ज़रूरी हो, खुद को साफ रखना भी ज़रूरी है, तो डीओ का इस्तेमाल सिर्फ सर्दियों में करें। ना जी, जल लीजिए, बस इतना इम्पोर्टेंट है। अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 22nd of March एक्चुअली में मेरा फेसबुक पे बर्थ डेट भी है, जो कि गलत है, तो इस तरीके से भी याद मैंने तो रखा हुआ है। अगले सवाल पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 276। राम राम जी, बिल्कुल राम राम। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक किताब निकालती है जिसमें एंडेंजर्ड प्लांट के नाम होते हैं, उस किताब का नाम क्या है? सो किताब का नाम आप लोग बताइए। देखिए, खतरे का निशान जो है लाल है, और एंडेंजर्ड यानी लाल, तो ये एक अपनी पब्लिकेशन निकालता है जिसको रेड बुक कहते हैं। जी हाँ, लाल है तो खतरे का निशान, रेड फ्लैग मिल गया है जी, बिल्कुल। सो रेड बुक बोला जाता है ऑफ बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये सबसे बड़ी एपेक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर में काम करती है, और ये स्टडी करती है वाइल्ड प्लांट और वाइल्ड बाकी रिसोर्सेस को। अब बोटेनिकल है तो यानी ये पेड़ों के बारे में ही बात करेगा, नाम में उसके क्लियर है। ये स्टेब्लिश हुआ था 1890 में, ब्रिटिश के टाइम पीरियड में हो गया था, और इसका काम क्या है कि प्लांट्स के बारे में स्टडी करना है। जी हाँ, सो मेजोरिटी में यहाँ पे इसी तरीके से आप लोग सरकार बना देते हैं। मेजोरिटी पे मत जाइएगा, अपने हिसाब से जो सही लगे। कई बार मैंने तो बहुत बार देखा आप लोग ग्रुप में गलत करते हैं। तो इसका आंसर है आंसर इज रेड बुक। ठीक है, अगले सवाल पे मूव करते हैं। अब इसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन भी है जो इसी किताब में अलग अलग कलर पे भी मिलती है, यानी इसी किताब के अंदर कुछ ऐसे पेज हैं जो ब्लैक कलर की शीट में होते हैं। तो ब्लैक कलर की शीट का मतलब वो स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट हो गई है। व्हाइट व्हाइट शीट में कुछ ऐसे नाम मिलेंगे जो रेयर है, ग्रीन शीट जो कि फॉर्मली इंडेंजर्ड है लेकिन अब वो रिकवर करने लग गए हैं। तो अलग अलग कलर का इस्तेमाल किया जाता है शोकेस करने के लिए। ठीक है जी, तो याद रखिएगा रेड डाटा बुक में भी अलग अलग कलर के इस्तेमाल किए जाते हैं शीट्स। ग्रीन शीट में अगर कोई नाम लिखे हुए हैं पेड़ पौधों के, तो मतलब यह है कि वो पहले एंडेंजर्ड हो चुकी थी, अब रिकवर करने लग गई। मैं अभी ऐसी जगह पे हूं, मैं बता नहीं सकता। और थोड़ा सा मैं घोटाला वगैरह करके बाहर निकला हूँ, इनकम टैक्स वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तो मैं अपनी लोकेशन
दे नहीं सकता आप लोगों को, ठीक है? अभी आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए, क्लियर है? अब अगले सवाल पे मूव करें, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। व्हाइट शीट में वो हैं जो रेयर में हैं, जो बहुत कम देखने को मिलते हैं। ब्लैक शीट में वो जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये इसी रेड डाटा बुक के अंदर की ही डिटेल्स है। अगले सवाल पे मूव करें, अगर क्लियर है तो लाइक कर दीजिए। तो अभी अभी एक्चुअली मैं उत्तराखंड में हूँ, ऑन अ सीरियस नोट। अभी मैं अपने होम टाउन से ही कुछ काम कर रहा था, तो यहीं से आप लोगों को क्लास ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 277 की बात करते हैं, पढ़े लिखे का क्या मतलब होता है? ना जी, गुवाहाटी में कभी नहीं गया, मैं उत्तराखंड में ही हूँ, अपने होम टाउन से ही। सो सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में पूछा है कि लिटरेट किसको कहते हैं, पढ़ा लिखा किसको कहते हैं, बताइए। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, अब लिटरेसी रेट में जो हम आंकड़े देखते हैं कि इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी ग्रोथ हो रही है, ये हो रही है, वो लिटरेसी का मतलब क्या है? मतलब क्या होता है लिटरेसी रेट का? देखिए, बड़ी बेसिक सी बात है कि जो भी इंसान 7 साल के ऊपर की एज का है और वो किसी भी एक भाषा में पढ़ लेता है और लिख लेता है, उसको हम लिटरेट कहते हैं। पर एक्चुअली में आप उसको एजुकेटेड नहीं कहते, तो जो कैलकुलेट किया जाता है वो लिटरेसी रेट किया जाता है, एजुकेटेड रेट नहीं किया जाता। क्योंकि कई बार तो जिंदगी भर लोग पढ़ते रह जाते हैं लेकिन एजुकेटेड तब भी नहीं हो पाते। तो एजुकेशन मतलब सिविलाइज्ड होने से है। लिटरेट, जो लिटरेट होने की डेफिनेशन यह है कि 7 साल से अगर ऊपर है, मान लीजिए कोई इंडिविजुअल पंजाबी भाषा पढ़ लेता है, पंजाबी भाषा में लिख लेता है और उस 7 साल से ऊपर है, तो भी वो लिटरेट कहलाएगा। कोई उर्दू में पढ़ लिख लेता है तो भी वो लिटरेट कहलाएगा। इतनी बेसिक सी डेफिनेशन है, उसके बावजूद भी हमारा जो लिटरेसी रेट है वो 100% नहीं। एवरेज लिटरेसी रेट 73% है। कितना? 2011 के हिसाब से 73%। इतनी बेसिक डेफिनेशन होने के बावजूद रियल सेंस में अगर आप लिटरेसी या एजुकेशन के लेवल को देखेंगे तो बेड़ा ही गर्क है, बहुत बुरी हालत है, ठीक है? तो आंसर इसका बी है, आंसर बी है, बहुत बुरी हालत है। सबसे ज्यादा लिटरेसी वाले स्टेट की बात करें तो केरल आपको देखने को मिलेगा। केरल आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद उत्तराखंड में ठीक लिटरेसी है, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, असम, इन सब जगह लिटरेसी ठीक है। कुछ स्टेट में लिटरेसी बहुत ठीक है, कुछ स्टेट में लिटरेसी बहुत कम है। जैसे स्टेट वाइज लिटरेसी के एफर्ट की बात करें तो कुछ जगह लिटरेसी अभी भी उस लेवल पे डेवलप नहीं कर पा रही, उतना नहीं पढ़ पा रहे। तो अगले सवाल पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 278 पे, भारत के नेशनल फ्लैग के बारे में, हमारा प्यारा तिरंगा के बारे में है, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया के बारे में।
तो इसके ऊपर एक सवाल आया है, बताइए आंसर क्या होगा। देखिए अमीना जी और बाकी सब लोग आप समझिए, अगर कोई जगह लिटरेट नहीं है, लिटरेसी नहीं है, लिटरेसी की इतनी बेसिक डेफिनेशन होने के बावजूद तो उसमें गवर्नमेंट्स का बहुत बड़ा फेलियर रहा है। ठीक है जी, और ये नंबर बढ़ेगा तो गवर्नमेंट्स को अपने लेवल पे काम करना चाहिए, लिटरेसी पे काम करना चाहिए। उसके बाद फिर एजुकेशन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 278 नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया के ऊपर सवाल है। अब नेशनल फ्लैग आप सबने देखा, लेकिन ये डिटेल्स में थोड़ा सा सवाल पूछा हुआ है। तो नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को अडॉप्ट जब किया गया था, तो अडॉप्ट किया गया था ऑन 22nd of July 1947 पे। ठीक है जी, 22nd of July 1947 को ये अडॉप्ट किया गया था। और ये जो 22nd of July है, ये मेरा रियल बर्थडे है, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। आज मेरे बर्थडे आ रहे हैं हर तरफ, तो 22nd of July 1947 मुझे याद रहता है क्योंकि मेरा बर्थडे है, आप दूसरे तरीके से याद कर लीजिएगा। सो जो ये रेक्टेंगुलर है, आंसर पहला पॉइंट करेक्ट है। और जो रेशियो की बात की है वो 3:2 है, तो 3:1 गलत हो जाएगा। रेशियो शुड बी 3:2, जैसा आप लोगों ने कहा बिल्कुल परफेक्ट। सो आपको पता है तीन कलर है, सैफ्रन है, व्हाइट है, ग्रीन है, बीच में अशोक चक्र है जिसमें 24 स्पोक्ड व्हील है। ये जो झंडा है ये स्वराज फ्लैग के बेस पे है, जिसको डिजाइन किया था पिंगाली वेंकैया ने। तो कांग्रेस का स्वराज झंडा था जिसको डिजाइन किया था पिंगाली वेंकैया ने, उसी के ऊपर बेसिस पे इसको बनाया गया था। मेरा बर्थडे याद रखिएगा, मत रखिएगा, बस ये याद रखिएगा कि इसी दिन हमारे नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था, 22nd। एक एक तो आप एक दूसरे को टारगेट मत किया करिए, ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझिए। फ्लैग को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका प्रॉपर फ्लैग कोड होता है। नेशनल एम्बलम और बाकी सारी चीज़ों को इस्तेमाल करने का एक कोड होता है, आप इसको मिसयूज नहीं कर सकते। ठीक है जी, सो इसका रेशियो 3:2 है। और आपने देखा होगा जब भी कोई सेलिब्रिटी वगैरह कहीं गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेता है, कोई उल्टा पकड़ लेता है, तो उस पर पनिशमेंट लगती है। तो इसको बड़ा रिस्पेक्ट से हम लोग, क्योंकि सबकी भावना जुड़ी हुई है, तो बड़े रिस्पेक्ट से फ्लैग कोड को फॉलो करना होता है। जो फ्लैग कोड है प्रॉपर, उसमें बताया गया है कि कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे फोल्ड किया जाए। ये फ्लैग कोड 2002 में बनाया गया था। तो अगले सवाल पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 279, देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट स्पोर्टिंग ऑनर की बात करते हैं, उसको और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर बताइए। तो आप सब लोगों को पता है, अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट,
क्यों दिया जाता है? उस इंसान को दिया जाता है जिसने स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो उसको अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। क्लियर है ये पॉइंट? अब थोड़ा सा मैं अवार्ड्स के बारे में बता देता हूँ, स्पोर्टिंग अवार्ड जो मिलते हैं उनके बारे में बात करते हैं जी। इनको विजर्ड ऑफ हॉकी बोला जाता था, ध्यानचंद जी को। अभी तक इनको भारत रत्न नहीं मिला है, बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। कुछ और अवार्ड होते हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि एक होता है खेल रत्न अवार्ड, जिसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अब इसका नाम ही बदल के ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। सो कंफ्यूज मत करिएगा, अवार्ड के आगे क्या लिखा है उससे इंपॉर्टेंट, उसी से डिफ्रेंशिएट हो जाता है। अगर वो लिखा है ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, तो यानी वो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मिल रहा है, और ध्यानचंद अवार्ड या ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है यानी वो उसको मिल रहा है जिसने पिछले 3 से 4 साल, 4 साल बहुत अच्छा काम किया इस किसी भी स्पोर्ट्स के फील्ड में। उसके अलावा अर्जुन अवार्ड भी मिलता है। अर्जुन महाभारत में हम सबने देखा है जो बहुत अच्छे योद्धा थे, तीर चलाते थे, तो स्पोर्ट्स में अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो अर्जुन अवार्ड भी मिलता है। द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है, किसको मिलेगा द्रोणाचार्य अवार्ड? अगर महाभारत आप लोग थोड़ा सा भी जानते होंगे तो पता होगा द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है कोचेस को, जो अच्छे कोच होते हैं, क्योंकि गुरु द्रोण है पांडवों के और इनके कौरवों के गुरु थे, तो ये महाभारत से ही नाम आ गया है, और कोचेस को मिलेगा द्रोणाचार्य अवार्ड। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी मिलता है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल को मिलता है जिसने स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कोई काम किया। फिर आता है टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, ये एडवेंचर अवार्ड है जो कि फील्ड ऑफ एडवेंचर, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, लैंड स्पोर्ट्स हो, सी स्पोर्ट हो, एयर स्पोर्ट्स हो, यानी एडवेंचरस स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा करने वाले को टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिलता है। तो ये 6 + 1 7 अवार्ड हैं। एक अवार्ड जो रह गया उसका नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ये यूनिवर्सिटी लेवल पे जो अच्छा करता है उसको मिलता है। आप एक दूसरे की तो कुछ ही, एक दूसरे को नहीं, जो भी डाउट है मुझसे पूछिए, यहां आपस में कंपीट मत करिए प्लीज। क्लियर है? तो कितने अवार्ड मैंने बताए हैं, मैंने आज आपको स्पोर्टिंग के बारे में बता दिया है, 6 + 1 अवार्ड बताए हैं मैंने। यही अवार्ड मिलते हैं स्पोर्ट्स में, याद रखिएगा। सबसे जो ऊपर वाला अवार्ड होता है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। उसके अलावा बाकी सब बताइए, क्लियर है? यस और नो बताएं। क्लियर है? यस और नो बताएं। मैं दोबारा रिपीट करूं, अगर आप लोगों को जरूरत हो, मैंने सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं। एक आप लोग एक चीज बताइए, यहां पे आप लोग क्या एक दूसरे को टारगेट करते हैं? फिर इस सीरीज का मेन मकसद ही खत्म हो जाता है। यहां हम किस लिए हैं? यहां इसलिए हैं ताकि हम सब लोग सीख सकें। ये है मेजर ध्यानचंद का जो अवार्ड मिलता है। तो अवार्ड मैं फिर से रिपीट कर लेता हूं, आंसर ए है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अवार्ड मिलता है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। फिर आता है अर्जुन अवार्ड,
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड, ये यूनिवर्सिटी लेवल पे मिलता है, जो यूनिवर्सिटी लेवल पे अच्छा परफॉर्म करे। फिर द्रोणाचार्य अवार्ड है, गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड, देन मेजर ध्यानचंद लाइफ अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। देन टेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर नेशनल एडवेंचर अवार्ड है। अगर ये क्लियर है तो लाइक कर दीजिए, यही स्पोर्टिंग कैटेगरी में अवार्ड मिलते हैं। और एक और रह गया, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन, यानी जो भी खेल को बढ़ाने के लिए कोई भी काम करे, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। तो आप लोगों को मैंने ये सारा स्ट्रक्चर समझा दिया है, यही अवार्ड मिलते हैं चाहे कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट हो। अगले सवाल पे मूव करते हैं, इसका आंसर मैं बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 280 पे मूव करते हैं। तो जब मैं PYQ करा रहा हूं तो खाली क्वेश्चन का आंसर देना मोटिव नहीं है, इसमें मैंने प्रॉपर स्पोर्ट्स के सारे अवार्ड बता दिए आपको। अब आप लोगों को क्या करना है, क्लास के बाद इसको दोबारा से रिविजिट करना है और आपके ये अवार्ड क्लियर। ऐसे ही मैं एक वीडियो में आपको सिविलियन अवार्ड बता चुका हूं, मैं आर्मी के अवार्ड भी बता चुका हूं, आज की वीडियो में मैंने स्पोर्ट्स अवार्ड बता दिए। देन किसी और वीडियो में कोई लिटरेचर से रिलेटेड होगा तो मैं लिटरेचर अवार्ड भी बता दूंगा आपको सारे कौन कौन से होते हैं। जी दोनों अलग हैं दोरजी जी, अलग हैं, बिल्कुल अलग है। एक्चुअली में जो ये खेल रत्न अवार्ड है ना, इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, फिर अभी की सरकार ने इसका नाम बदल दिया, इसका नाम कर दिया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो पहले दोनों अलग होते थे, एक के नाम के आगे राजीव गांधी था और एक के नाम के आगे ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था। क्लियर है? तो अब दो हो गए हैं, पर उनके आगे क्या लिखा हुआ है वो उससे डिपेंड, उससे डिसाइड हो जाता है क्या है। ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी खेलना बंद करिए आप लोग, तीन लोगों में मेजॉरिटी, चार लोगों में मेजॉरिटी कैसे डिसाइड होती है? हो सकता है कि पहले वाला जानबूझ के गलत दे रहा हो। MDCLA मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। सो फर्स्ट स्केल लार्ज स्केल रिएक्टर जो कि U-22-233 एज अ फ्यूल इस्तेमाल करता है, आंसर इज कामनी। ठीक है, याद रखिएगा आंसर इज, आप सबको पता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए दुनिया भर के लेवल की बात करें तो व्रेन न्यूक्लियर रिएक्टर था, और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में आंसर इज कामनी। यूरेनियम आप सबको पता है एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर है कामनी। तो ये 2006 में वर्ल्ड का ओनली थोरियम बेस्ड एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर था, और ये पहला और अभी भी इकलौता ऐसा रिएक्टर है जो कि इस्तेमाल करता है U-233 एज फ्यूल। इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा कालपक्कम में जो कि तमिलनाडु में है। ये 1996 में
एग्जिस्टेंस में आ गया था, ये बाद में काम करने लगा, और ये 2006 में थोरियम बेस्ड एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर हो गया, और अभी भी यूरेनियम का इस्तेमाल करता है। हाँ जी, न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड है। तो आंसर इसका क्या है? कामनी। ठीक है, कहाँ है? तमिलनाडु में है ये रिएक्टर, और ये इकलौता है जो अभी भी इस्तेमाल करता है यूरेनियम 233 एस फ्यूल इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 281 की बात करते हैं, आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 281 का आंसर बताइए। इंडिया में अब अगर ऑपरेशनल की बात करें तो 22 ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करें तो वो 7 हैं। 7 पावर प्लांट हैं, और एक पावर प्लांट में एक से ज़्यादा रिएक्टर हो सकते हैं। तो 7 पावर प्लांट में 22 रिएक्टर्स हैं, और 7 पावर प्लांट्स में आपने नाम सुना होगा, तारापुर है, राजस्थान में है, मद्रास में है, नरोड़ा है, तो ये 7 है पावर प्लांट ये। ठीक है जी, तो आप शायद दो बच्चों का यही डाउट था कितने हैं, तो मैंने बता दिया 7 है। अब सिंगल सिटीजनशिप का इंडिया में कॉन्सेप्ट है, यूएस वगैरह में डबल सिटीजनशिप मिलती है, यानी आप कंट्री के भी सिटीजन रहते हैं और आप स्टेट के भी अलग सिटीजनशिप मिलती है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल है जो सिटीजनशिप डिसाइड करते हैं? बताइए कौन से आर्टिकल हैं जो डिसाइड करते हैं सिटीजनशिप के बारे में? याद रखिएगा, ये कुछ ऐसी चीजें जो पता होना चाहिए। आर्टिकल 5 नहीं है, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक सारे आर्टिकल हैं जो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड है। ठीक है जी, तो ये सिटीजनशिप है जिसको पार्ट 2 भी कहते हैं, पार्ट 1 यूनियन कहलाता है, जिसमें इंडिया के बारे में डिटेल है, स्टेट कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें। तो आर्टिकल 5 से 11, 6 से ये 7 आर्टिकल है जो सिटीजनशिप से डील करते हैं। उसके बाद पार्ट 3 आता है जो फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट 4 आता है डीपीएसपीज हैं, इस तरीके से याद रखिए। तो एक सवाल कहां से घुमा के किधर छोड़ा जा सकता है, आप खुद देखिए, रेडी रहिए। इसमें इतनी क्लियरिटी होनी चाहिए। सिटीजनशिप का मतलब खाली इतना नहीं है कि हाँ जी पता है और फिर डांस करने लग गए, यस पता है, और क्या क्या पॉसिबल सवाल बन सकते हैं। आर्टिकल 5 से 11 देखिएगा आप घर पे, अभी गूगल करिएगा, उसमें बताया गया है कौन सिटीजन है। अगर कोई पाकिस्तान चला गया, उसके फोर फादर इंडियन थे, तो वो सिटीजन कहलाता है नहीं कहलाता, पूरी लिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 282, जी हाँ, पार्ट 2, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 डीपीएसपी, पार्ट 4A में आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। इस तरीके से आप याद करिएगा पूरे पार्ट्स को। अगला सवाल है सीएजी, पैसा ही पैसा वाला डिपार्टमेंट जो चेक करता है, ऑडिट करता है कितना पैसा सरकार का सही इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है। सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट करता है, और आर्टिकल कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन का जो इससे डील करता है? आर्टिकल जो डील करता है उसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए।
कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो सीएजी से डील करता है, और जो अभी जिनका नाम है वो भी एक्चुअली में अगर आपको नहीं पता हो, आर्टिकल 148, वांगसू जी ने बोला है परफेक्ट, 148 आर्टिकल है एक्चुअली में, आर्टिकल 148 से लेके 151 ये सब सीएजी से रिलेटेड है। आर्टिकल 148 उसके अपॉइंटमेंट के लिए, उसका ऑफिस कैसे अपॉइंट किया जाएगा उसके बारे में। और नाम अगर याद ना हो तो अभी जो है वो मुर्मू जी ही है जो सीएजी है, उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो प्रेसिडेंट भी मुर्मू जी है और सीएजी भी मुर्मू जी है। क्या नाम है? गिरीश चंद्र मुर्मू। वो सारी गवर्नमेंट कंपनी जिसमें भी गवर्नमेंट का 51% से ज्यादा का स्टेक है उसकी ऑडिट रिपोर्ट को ये देखेंगे। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 283 की बात करते हैं, बताइए 283 का आंसर क्या होगा। ये क्लास आपकी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 7 बजे से होता है। अपना भाई पंत, पंत कैसे भाई हो गया, मतलब किस तरीके से भाई हो गया? इसका आंसर है शर्मा जी का लड़का जो अभी अपनी अपनी कैप्टेंसी में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आ रहा है। तो 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, देखिए फिर अवार्ड पे सवाल है, तो उसमें से एक क्रिकेटर जिसका नाम था वो था रोहित शर्मा जी का नाम। लास्ट ये अवार्ड मिला है 2022 में, और ये मिला है शरत कमल को, इस साल अभी नहीं मिला है। अब आप लोग बताइए शरत कमल कौन सा स्पोर्ट्स खेलता है, ये जो शरद कमल जी है कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं? तो ये 2020 यानी पुराना पेपर है, उसके हिसाब से सवाल आया होगा, आपसे इतना पुराना नहीं पूछेंगे। आपसे 2022 का पूछ लेंगे या 2023 का अगर अनाउंस हो गया होगा तो वो पूछ लेंगे। बताइए शरद कमल कौन सा खेल खेलते हैं? सर पे कपड़ा बांधते हैं, टेनिस में इतने वैरायटी आती है, लॉन टेनिस है, टेबल टेनिस खेलते हैं। आंसर क्या है? टेबल टेनिस। आपने देखा होगा ये बैंड बांधते हैं, टेबल टेनिस में रिप्रेजेंट करते हैं, और अच्छे खिलाड़ी हैं शरद कमल जी। तो अगले सवाल पे मूव करते हैं, दो में बहुत सारे लोगों को मिला था, नीरज चोपड़ा जी को लेके और मिथाली राज को मिला, सुनील छेत्री, 2022 में सिर्फ शरद कमल को मिला, टेबल टेनिस खेलते हैं। नीगा जी एक बात बताइए, मैं जब ये क्वेश्चन करा रहा हूं तो मैं इसके पूरा हिस्ट्री भी तो बता रहा हूं ना कि ये खेल रत्न अवार्ड क्या होते हैं। आउटडेटेड सवाल बिल्कुल है, इसने आपको यहां कोई पनिशमेंट थोड़ा मिल रहा है अगर आंसर नहीं दे रहे।
पर उससे साथ में ये इंफॉर्मेशन भी तो आपको मिल रहा है, इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, स्पोर्ट्स अवार्ड आपके क्लियर हुए या नहीं हुए, अगर ये सवाल नहीं होता तो मैं डिस्कस क्या करता। आप इस पॉइंट को समझिए, ये पुराने पेपर हैं, लिंक मिल जाता है इसका। तो पहले इंडिविजुअल जिसको ये खेल रत्न अवार्ड मिला था वो था, जी हाँ, एनुअली देते हैं, अब इनका नाम बदल दिया गया जैसा मैंने बोला। पहले इंडिविजुअल जिनको ये अवार्ड मिला था उनका नाम था विश्वनाथन आनंद साहब, जो कि चेस खेलते हैं। हम क्वेश्चन पे बात ही नहीं कर रहे, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जी ध्यानचंद अवार्ड आप कह सकते हैं, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कह सकते हैं। सबसे छोटी उम्र के इंडिविजुअल जिनको ये मिला है वो है अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 2008 में गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग में। जी लास्ट विनर है शरद कमल जी, पहली वुमन जिन्होंने ये अवार्ड जीता था वो थी कर्णम मलेश्वरी जी, और ये पहली ऐसी वुमन है जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में। कर्णम मलेश्वरी जी ने पहला मेडल जीता था किसमें, ओलंपिक में ब्रोंज वेट लिफ्टिंग में। तो ये देखिए इतने सारे फैक्ट्स मैं कैसे बता पाता अगर ये सवाल नहीं होता तो। तो ये सवाल आउटडेटेड होते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं, ध्यान से समझिए। इसको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स देती है, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स देती है। आप लाइक करते चलिएगा सेशन को, जो भी जीता उसको 25 लाख रुपए मिलते हैं, ये याद रखिएगा। तो अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं अच्छे से खेलिए, कभी मिलेगा तो 25 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट वाले को 10 लाख मिलता है। अगर कंचे में कोई कंपटीशन होता खेल रत्न का तो इंडिया में बहुत सारे लोग होते। ये कंचे आप में से कितने लोग खेलते हैं। तो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 284। जी अभिनव बिंद्रा इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड जीता। इंडिविजुअल कैटेगरी में उससे उनसे पहले किसी ने नहीं जीता था। इंडिविजुअल कैटेगरी में अभी नीरज चोपड़ा जी ने जीता है। और कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं नीरज चोपड़ा, तो ये इस तरीके से चीजें जुड़ती हैं। अब ये सवाल है, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन, ये सवाल पुराना है, उसी टाइम उनको ये गद्दी मिली थी। तो हाँ जी, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो खेलते हैं, और इसका आंसर जनरल बिपिन रावत साहब है। ठीक है जी, हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब आप लोगों से सवाल बनता है कि अभी कौन है, अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, और कितने लोग इस गद्दी पे बैठ चुके हैं अभी तक। बताइए कितने लोग अभी तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन चुके हैं। एक तो जनरल बिपिन रावत हो गए, उनके बाद कौन बना, नहीं जी जनरल मनोज मुकुंद नरवाने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं बने थे, जनरल अनिल चौहान जो अभी हैं वो रिटायर्ड हैं, तो दो ही बार बैठे हैं, दो ही लोग बैठे हैं, दो कमिटीज होती हैं। एक देखिए दो पोस्ट हैं, ध्यान से समझिएगा, अभी अनिल चौहान जी हैं, तो आप पूरी जब भी इनके नाम लिखेंगे तो पूरी रैंक लिखेंगे, जनरल हैं ये।
ये चीफ एडवाइजर होते हैं ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, जो भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनता है। तो ये एक हाई रैंकिंग ऑफिसर होता है और मिनिमम 3 स्टार रैंक से रिटायर्ड इंडिविजुअल ही बन सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जो चीफ एडवाइस करते हैं, तो डिफेंस स्टाफ का जो चीफ है ये डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, ठीक है। और जो इसका चेयरमैन होता है वही चेयरमैन ऑटोमेटिकली हो जाता है चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी, चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी होती है। तो ये दो कमेटी, यानी जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो ऑटोमेटिकली इसका हेड हो जाएगा। लेकिन जब जनरल बिपिन रावत की मृत्यु के बाद कुछ टाइम तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट खाली थी, लेकिन ये पोस्ट पे एक इंडिविजुअल एक्टिंग रूप से काम कर रहा था, उनका नाम था जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। सो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ये इस कमेटी के हेड बन गए थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट कमेटी होती है, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कुछ टाइम तक वैकेंट पड़ा था। क्लियर है? तो दूसरी कमेटी, क्या नाम है उसका, कमेटी ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ, ये कमेटी, दूसरी कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी होती है। ये पुराने टाइम से चलती आई है, तो इसको बोलते हैं चेयरमैन चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी, COSC। क्लियर है आप लोगों को? ये फैक्ट हमेशा याद रखिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा। तो अभी कौन है चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी? अनिल चौहान जी ही होंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हो जो भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है वही इस कमेटी का भी हेड होता है। पर ये कमेटी बहुत पुरानी है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तो पहली बार 2021 में बना। जो CDS की पोस्ट है वो पहली बार 2020 में आई, सॉरी 2021 में आई। ये कमेटी बहुत पहले से काम करती है। अब अगले सवाल पे मूव करते हैं। बाबा रामदेव का सवाल है, योगा, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। बाबा जी कहते हैं योगा से ही होगा, ठीक है। तो योगा पे सवाल है, बताइए इसका उत्तर क्या है। अब ये 2021 का है, तो आंसर इसका था योगा फॉर वेलबींग। पर अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि कब मनाया जाता है योगा डे, बताएंगे आप? कब मनाया जाता है ये योगा डे? जून 21, यानी आने वाला है, पहली बार 2014 से स्टार्ट हुआ, 2014 मोदी जी के आने के साथ ही स्टार्ट हुआ, और हर साल जून 21 में ये मनाया जाता है। इस बार की थीम है ह्यूमैनिटी, 2023 की थीम क्या है, ह्यूमैनिटी। तो अब अगर सवाल बनेगा तो 2023 का बनेगा, उसकी थीम क्या है, ह्यूमैनिटी। तो जैसा मैंने बताया, थीम पहले ही डिसाइड हो जाती है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा, गवर्नमेंट अलग अलग रिकमेंडेशन लेती है तो इससे आपको याद रखना होगा। इस बार की थीम ह्यूमैनिटी है,
और बाकी सारे फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए। 2014 में ये इसको एक्सेप्ट किया गया था। 2022 की थीम थी योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। तो याद रखिएगा योगा से ही योगा। क्वेश्चन नंबर 286, एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरो बाय WWF इंडिया किसको सेलेक्ट किया गया है? इसको हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। 15-16 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट बताने के चक्कर में क्वेश्चन कम हो पाते हैं, लेकिन वो हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमने कॉन्सेप्ट ज़्यादा सीखने और समझने की कोशिश करना है कि पेपर किस तरीके से आता है। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पता चले होंगे। अगर पता चले हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जी इसका आंसर उपासना कमिनेनी जी है, लेकिन हम इसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। है क्या ये पूरा फैक्ट, क्या है मसला, क्या है। बाकी गर्मी बहुत है, जल पी लीजिएगा। जल ही जीवन है, पानी बचाइए, सावधानी से रहिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और टेंशन मत लीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। फिर मिलेंगे PYQ की सीरीज में थर्सडे को, फिर सैटरडे को, 3 दिन हम हफ्ते में मिलते हैं। गुड नाइट एवरीवन। एक बार लाइक कर दीजिएगा जिन लोगों ने भी लाइक नहीं किया लेक्चर को।